गाइस हम आ चुके हैं दिल्ली के ऑस्कार्स में, वो सॉरी जैसलमेर के ऑस्कार्स। तो गाइस अभी मैंने गाइड की बात सुन रहा, वो कह रहा इधर के जो राजा की 30 साल ऐसी चीजें मत देखा करो, स्टार्ट है भाई आजकल। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और जैसे लास्ट ब्लॉग में दिखाया था मैंने कि मैं होटल पहुंच चुका हूँ, तो अभी तो होटल टूर दे नहीं रहा क्योंकि मैं हो चुका हूँ फुल रेडी। और ये रहा मेरा ओटीटीडी आउटफिट ऑफ द डे, ठीक है वो हो चुका है मेरा रेडी। तो अब हम चलते हैं सिटी टूर के लिए, तो लेट्स गो, सीधा भाई मिलेंगे, फिर घर आके तुमको दूंगा होटल टूर। होप सो मेरा आउटफिट तुम्हें अच्छा लग रहा हो, नहीं लग रहा फिर भी लाइक बटन लगाओ। चलो लेट्स गो। पहले बताया था कि अभी मैं आ चुका हूँ सिटी टूर के लिए, एंड सिटी टूर के लिए फर्स्ट प्लेस मेरे को मिली है फोर्ट, जैसलमेर फोर्ट। और जो जैसलमेर मैं भी इतना घूमा है, मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ क्या लग रही है आज की, इधर का जो हर घर जो है ना वो उस टाइप से है जो हमारा होता है ना एंशियंट टाइम से, ऐसे महल स्टाइल सारे उसी स्टाइल से है। और ये जो सिटी है इसका दूसरा नाम है गोल्डन सिटी, और जो नाम है वो प्रूव कर रहा है कि गोल्डन सिटी होना चाहिए इसका नाम। बाकी तुम्हें थोड़ी सिटी और दिखाऊंगा, तुम्हें भी पता लग जाएगा क्यों है इसका नाम गोल्डन सिटी। हमने ले लिया है यहाँ के फेमस दाल पकवान, अब इसको खा के टेस्ट करते हैं कैसा है। मतलब काफ़ी सुना है दाल पकवान वेरी फेमस इन राजस्थान, तो अब इसको खा के देखते हैं। तो गाइस दाल पकवान बहुत अच्छा था, उसका टेस्ट मेरे को काफ़ी पसंद आया। मतलब तक मैंने इतना कुछ जैसलमेर में खाया, मेरे को तक की बेस्ट टेस्ट लगी है। और अब मेरे को खाना है पत्ते की कचौड़ी, भाई मतलब 10,000 लोगों ने बोल दिया कि पत्ते की कचौड़ी खाओ पत्ते की कचौड़ी, और मेरे को उससे देखते हैं क्या चीज़ है ये, क्या तोहफा है पत्ते की कचौड़ी। ओवरहाइप ना निकला बस, ओवरहाइप हो सकती है, ये भी हो सकता है ओवररेटेड होने की काफी चांसेस होती है अगर चीजें अच्छी ज्यादा फेमस हो तो। लेट्स सी अब खा के देखते हैं ये क्या चीज है। और अभी हम फोर्ट पे नहीं जा रहे, अभी थोड़ा खा पी रहे हैं फिर चलेंगे फोर्ट में, क्योंकि इस वक्त गाड़ी में बच रही है 7:30। पत्ते की कचौड़ी तो रेडी हुई नहीं, तब तक हम आ चुके हैं ये टीकू की दुकान पे, ये भी काफ़ी फेमस है यहाँ पे, इसकी मिठाई खाने, इसका ये लड्डू काफ़ी फेमस है, एक लड्डू खाएंगे एक पीस, फिर अगर अच्छा लगे और तो हम और लेंगे, तो अब तक ये खाएंगे। गाइस तुमको मैंने बताया था पत्ते की कचौड़ी लिया मैंने, दैट वॉज अमेजिंग, बहुत बढ़िया थी, जो मतलब ओवर हाइप ऐसा बिल्कुल नहीं थी, इट वॉज गुड वर्थ द हाइप। चलो ठीक है, अब यहाँ से हम अब आ चुके हैं फोर्ट के अंदर, अब यहाँ से तो फुल चढ़ाई है, पूरा चढ़ेंगे, तो लेट्स गो अब चलते आगे। फोर्ट स्टार्ट हो चुका है, अभी ये आज की पहली स्टॉप फोर्ट की जो अच्छी है, मतलब इसका क्या नाम है राजा का महल बोलते हैं इसको। लेट्स गो अंदर चलते हैं अब। चलो ये देखो गाइस आ चुका है फोर्ट अंदर से पूरा, तो भाई जैसलमेर में इंडिया के लोग कम है, बाहर के ज्यादा है, लगान 3 बोला लगेगा भाई। ये देखो भाई हमारे साथ हमारे टूरिस्ट गाइड आशु मलिक के, साथ हम यूट्यूब चैनल प्रमोशन कर सकते हैं मिस्टर पार्थ मलिक का, आएगा। तो गाइस अभी मैंने गाइड की बात सुन रहा, वो कह रहा इधर के जो राजा की 30 रानियां थी, 30 रानी देख ऐसी चीजें मत देखा करो, स्टड है भाई इधर के, जैसलमेर के राजा स्टड है, 30 रानियां देख रहे हो, 30 काफी सारे वो रखे हुए इन्होंने कि इससे ठोका ठाकी करने के लिए, मारने वाड़ने के लिए। बढ़िया भाई राजा भी, राजाओं की जिंदगी बढ़िया है, एक दूसरे को मारने के लिए इतना सारा सामान, फन फन लाइफ। तो
है महाराज जयसवाल सिंह, ये 1156 AD से 1167 तक थे, ठीक है। अब मीरा, मीरा महाराजा दुर्जवन साल, बहुत बड़ा नाम है, छोड़ो इसके बारे में। अभी आगे एक और राजा मारवाल भीम, भीम छोटा भीम वाला भीम, ये भीम ने भी राज करो, ये कालिया, ये है मारवाल सवाल सिंह, ये कालिया का दूसरा नाम, ये है डोलू और बोलू। हाँ महाराजा मारवाल अमर सिंह, अमर सिंह भी है, देख सबकी शक्लें सेम ही लगे, वही देख ये दोनों जुड़वा, वो देख जुड़वा है, तो देखो मारवाल अमर सिंह और ये इनका मुंह थोड़ा छोटा है, इनका मुंह थोड़ा बड़ा है, बस ये फर्क है, और काली की सेम शक्ल। अभी आगे मारवाल जयसवाल सिंह, सबके सेम नाम है मारवाल मारवाल मारवाल, इसका मारवाल गुप्त सिंह, देखो मेरा जैसलमेर का फोर्ट, फैमिली ट्री, बड़े बच्चे पैदा करते रहते हैं, ये होता है फैमिली ट्री, वो भी बताया था ना, 30 राजा 30 रानियां, अभी महाराज वो ही महारवाल ब्रिजराज सिंह, और ये अभी प्रेजेंटली है, ये अभी भी इधर के है, ये वाले तो है भाई जिंदा, ठीक है, ये इनका हो चुका है, ये देखो वर्तमान लिखा हुआ इनका, बट अब वो रहता नहीं है ना, पर इंडिया में वो वाला रूल अब खत्म हो चुका है राजा महाराजा वाला, इसलिए तुम्हें इधर नहीं दिखेगा। यस तो गाइस हम आ चुके हैं दिल्ली के ऑस्कार्स में, ओ सॉरी जैसलमेर, जैसलमेर के ऑस्कार्स में, ये देखो व्यू देख लो पूरा जैसलमेर का, डियर पार्क, डियर पार्क, ये देखो डियर पार्क, भाई मेरे को इधर फोम हो रहा है, इधर इंडियंस कम है, बाहर के लोग ज्यादा, क्योंकि देखो रानी का महल, राजा का महल, रानी का महल अलग है, दोनों अलग अलग घर में रहते हैं, 30 देख लॉजिक देख रहे हो इनके, महल ही अलग है, कमरा भी नहीं, महल ही अलग बनाया हुआ। चलो भाई अब इधर करेंगे हम फोटोशूट व्यू के साथ, फिर मिलेंगे। तो गाइज मैं आ चुका हूँ इसके टॉप पे बिल्कुल ही, और यहाँ का व्यू देखो, व्यू देख पा रहा हूँ, बड़ा व्यू मैन, कितना प्यारा व्यू, व्यू के लिए तो भाई 10 out of 10 मैन, इतना अच्छा व्यू है यहाँ का। चलो अब मैं यहाँ का थोड़ा व्यू एंजॉय करूँ, तुम भी करो साथ साथ। भाई जिसकी मैं बात कर रहा था ना, ब्रिजवाल जो प्रेजेंट में भी है, वो रहता है इधर, ये ना तिरंगा पे, इधर इधर वो रहता है ब्रिजवाल, जो अभी प्रेजेंट में है बिल्कुल इधर ही तिरंगे पे, मतलब ऐसा नहीं है कि वो राज करते हैं, वो राज नहीं करते, राज वो करेंगे वही हमारे सरकार ही करती है, वो बस ऐसी ही उनकी फैमिली है, तो बस उनको एक तरह से टैग दिया हुआ है राजा का, बस और कुछ नहीं है, ऐसे ऐसा कोई नहीं है कि राजा पूरी वो करते हैं, राजा वाजा वाली काम जो करना चाहिए वो नहीं है। चलो देखो जैसलमेर का वो है मैप, पूरा लुक देख सकते हो आप जैसलमेर कैसा दिखता है, ये देखो फोटो में एक चीज नोटिस करिए, जो नहीं इधर इतना सही है, मेरा 10 बार सर फूटते फूटते बचा, 10 बार कम से कम भाई, यहाँ के रोज ही फूटे, मेरा घर ऐसा होता तो 10 बार फूटेगा सर मेरा एक दिन में। क्वींस अपार्टमेंट, महारानी का कक्ष, मेरे को नहीं पता, गूगल पे सर्च कर लेना खुद क्या नाम है जगह का। अब ये दिस वे, अब इस इधर भाई फोटो वगैरह काफी लग रही है यहाँ की जगहों की, ये देखो घड़ी सर की पाल, वर्तमान में बदला हुआ दृश्य, मतलब अभी ये नहीं है, ऐसा नहीं दिखता ये, अब ये को नाशना, ये अब फोर्ट हो चुका है खत्म, पूरा हम घूम लिया हमने, यस गुड इट वॉज। तो भाई काफ़ी अच्छा था भाई, ये अच्छा लगा, मतलब जो होता है ना इंडिया की जो तुम कह सकते हैं
जो एंशियंट चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, इट वॉज गुड। तो लेट्स गो, अब आगे चलते हैं। कितने की है? 40। आ चुकी इधर की तोप जैसलमेर की, जैसलमेर वाले जैसलमेर से उदयपुर तोप मारते हैं इससे, ठीक है। ये देखो, दिखाता हूँ, इसके अंदर एक गोला भी पड़ा होगा। ये देखो, दिख रहा है? नहीं दिख रहा मेरे को, देखो फ्लैश भी मारूँ। देखो यहाँ से आता है गोला, फिर जाता है वहाँ उधर, सीधा सीधा पाकिस्तान भी मार देता है भाई ये, उदयपुर से जैसलमेर सीधा। वो देखो पाकिस्तान, बोरा बोरा पाकिस्तान, ठीक है बोरा। भाई जैसलमेर फोर्ट हम पूरा विजिट कर चुके हैं, एंड होप सो तुम्हें अच्छा लगा। एंड ये चैनल पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, एंड ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर। तो अब ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अभी भाई पूरा डे ख़त्म नहीं हुआ मेरा, पर ब्लॉग को यहीं एंड कर रहा हूँ कि ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो लेट्स गो, अब चलते हैं यहाँ से आगे और तुमसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।